फरीदाबाद के NHPC पावर हाउस के पास पार्किंग में खड़ी दो बसों में देर रात करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दोनों बसें जलकर खाक हो चुकी थीं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक NHPC पावर हाउस के पास पार्किंग में प्राइवेट ट्रेवल की चार बसें खड़ी थी, जिसमें से दो बसों में किसी कारणवश अचानक भयंकर आग लग गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची, बस करीब 70% आग की लपटों में घिर चुकी थी। करीब 25 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, फिर जलती हुई बसों पर आग पर काबू पाया। सराय थाना प्रभारी रामनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात करीब 12 बजे थाने में सूचना प्राप्त हुई कि NHPC पावर हाउस के पास पार्किंग में खड़ी दो बसों में आग लगी है। उससे पहले स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग बुझाने में जुट गई थी। थाने से मौके पर PCR को भेजा गया था। सभी लोगों ने मिलकर आग बुझाई। दोनों बसों में आग कैसे लगी अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि दीपावली की आतिशबाजी से कोई चिंगारी बस के ऊपर गिरी थी, जिसकी वजह से बसों में आग लगी थी, लेकिन आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड वाले आ गए। यहाँ पे दो बसों में आग लगी हुई है। पावर हाउस ये दोनों बसें जलकर राख हो गई।